हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में ऐसी चीज हो चुकी है जो मुझे लग रहा था कि AEW के अंदर कभी नहीं होगी, जिसके साथ ही हम जानने वाले है किस वीक हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, निक वेन का AEW के साथ फ्यूचर क्या है, कोटा इबुशी ने अपने AEW डेब्यू के ऊपर कुछ कहा है, और गाइज हम जानने वाले है कि बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 6 कब होने वाला है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की, और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि गाइज इस वीक का डायनामाइट शो AEW की तरफ से काफी जबरदस्त डायनामाइट शो था, जहां पर हमें 18 साल के निक वेन भी AEW के अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज अनफॉर्चुनेटली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब करीब 3.5% कम हो चुकी है, और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 855 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 825 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइज डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक छोटा सा ड्रॉप है, पर फिर भी व्यूअरशिप तो कम हुई है। लेकिन जहां तक बात है 18-49 डेमोग्राफी की, तो गाइज सरप्राइजिंगली 18-49 डेमोग्राफी के अंदर डायनामाइट शो के व्यूअरशिप के अंदर जरा भी चेंज नहीं आया, और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18-49 डेमोग्राफी के अंदर रेटिंग्स मिली थी 0.29, तो वहीं पर इस वीक भी 18-49 डेमोग्राफी के अंदर रेटिंग्स आई है 0.29, जिससे हम कह सकते हैं कि 18-49 डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। लेकिन ओवरऑल व्यूअरशिप के अंदर भी डायनामाइट शो थोड़ा ही ड्रॉप हुआ है। पर जहां तक बात है वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स की, तो गाइस वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर इस वीक का डायनामाइट शो 5वें पोजीशन पर आता है, जो कि इसके पहले नंबर 1 पर था, जिससे हम समझ सकते हैं कि रैंकिंग्स के अंदर भी डायनामाइट शो फर्स्ट पोजीशन से 5th पोजीशन पर आ चुका है। पर व्यूअरशिप के अंदर इतना ज्यादा चेंज नहीं है, पर मैं होप कर रहा हूँ कि व्यूअरशिप नेक्स्ट वीक ज्यादा बढ़े, क्योंकि नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो का स्पेशल एडिशन यानी कि ब्लड एंड गट्स होने वाला है, और मुझे लगता है कि ब्लड एंड गट्स शो के जरिए AEW अपने डायनामाइट शो की व्यूअरशिप और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। पर देखते हैं कि ऐसा करने के लिए AEW क्या क्या करती है। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि AEW के डायनामाइट शो के बाद हाल फिलहाल में निक वेन को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, और निक वेन का AEW के साथ फ्यूचर क्या होने वाला है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि 18 साल के सेंसेशनल रेसलर निक वेन AEW के अंदर आ चुके हैं, और निक वेन ने डायनामाइट शो पर अपना पहला डेब्यू मैच भी रेसल किया है, जहां पर अब तक अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निक वेन डार्बी एलन के स्टूडेंट है, और वो भी सिर्फ 18 साल के। पर मैंने आपको बात करते हुए बताया था कि डार्बी एलन ने 2 साल पहले ही यानी कि जब निक वेन 16 साल के थे, तभी निक वेन को अपनी तरफ से AEW का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, और डार्बी एलन चाहते थे कि जब निक वेन 18 साल के हो जाए तब वो AEW के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली साइन करे और AEW के साथ आ जाए। और निक वेन तो अब 18 साल के हो चुके हैं, और उनका डायनामाइट शो पर डेब्यू मैच भी हो चुका है, और इस सबके बाद फाइनली AEW के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने निक वेन के फ्यूचर के ऊपर बात करते हुए अपडेट दी है कि निक वेन ने ऑफिशियली AEW के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और निक वेन भी ऑल एलीट हो चुके हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस निक वेन के लिए ये चीज एक काफी बड़ी चीज होगी, क्योंकि वो अभी अभी 18 साल के हुए हैं, और 18 साल के होते ही उन्हें उनकी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, जो मुझे लगता है कि निक वेन के लिए तो एक सपना ही होगा। पर गाइस अब फाइनली निक वेन AEW के साथ काम करने वाले है, और मुझे लगता है कि हर एक रेस्टर की तरह ही शायद निक वेन का भी कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कि अब अपने फर्स्ट ईयर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर निक वेन AEW के अंदर कितना बढ़िया काम कर पाते हैं। पर सच में मैं होप कर रहा हूँ कि निक वेन का AEW के अंदर फ्यूचर काफी बढ़िया हो। तो निक वेन को गुड लक विश कर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि कोटा इबुशी ने AEW के डायनामाइट शो पर अपने डेब्यू अनाउंसमेंट के बाद अपने तरफ से क्या रिएक्शन शेयर किया है। तो आपको तो पता ही होगा कि मैं ब्लड एंड गट्स शो के ऊपर द एलीट के 5th मिस्ट्री पार्टनर के तौर पर कोई और नहीं बल्कि कोटा इबुशी AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले है, और गाइज ये AEW की तरफ से उनके मेजर अनाउंसमेंट्स में से एक थी, और कोटा इबुशी AEW के अंदर डेब्यू करने वाले है। इस अनाउंसमेंट के बाद सरप्राइजिंगली कोटा इबुशी ने भी अपने तरफ से इस पर अपना एक रिएक्शन शेयर किया है, और कोटा इबुशी ने हाल फिलहाल में ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया, जहां पर कोटा इबुशी ने लिखा
कि कोटा इबुशी थोड़े फार लेट हो गए, पर कोटा इबुशी इतनी देर तक AEW के अंदर केनी ओमेगा, हैंगमैन पेज और यंग बक्स सभी को देख रहे थे, और फाइनली कोटा इबुशी AEW के अंदर आ चुके हैं, तो अब वो साथ में मिलकर वर्ल्ड चेंज करने वाले हैं। जो बातें हाल फिलहाल में कोटा इबुशी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ट्वीट करते हुए लिखी है, और यही कुछ कोटा इबुशी का अपने डेब्यू अनाउंसमेंट के ऊपर रिएक्शन था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज, अब सच में AEW के अंदर गोल्डन इलीट को देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आएगा, और मुझे तो कोटा इबुशी के AEW के अंदर काफी सारे ड्रीम मैचेस देखने हैं, जो कौन से है मैं आपको काफी जल्दी बताऊंगा। लेकिन गाइस, फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि बैटल ऑफ द बेल्ट इवेंट 6 की डेट क्या होने वाली है। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि AEW अपने कंपनी के अंदर डायनामाइट स्पेशल शोज के साथ साथ बैटल ऑफ द बेल्ट नाम का भी एक इवेंट करती है, और हमें ये इवेंट साल में 4 बार देखने को मिलता है, और अब तक इस इवेंट के करीब करीब 5 एडिशन हो चुके हैं, और हमें फाइनली इस इवेंट का 6th एडिशन देखने को मिलने वाला है। और AEW ने अपनी तरफ से एक अनाउंसमेंट करते हुए बैटल ऑफ द बेल्ट इवेंट 6 की डेट रिवील कर दी है, और गाइज ये इवेंट हमें इसी वीक देखने को मिलने वाला है। और AEW का कोलिजन शो खत्म होने के बाद कोलिजन शो को फॉलो करते हुए इमीडिएटली हमें AEW का बैटल ऑफ द बेल्ट इवेंट 6 देखने को मिलने वाला है, जिस शो पर भी काफी सारे चैंपियनशिप मैचेस होने वाले है, जो कौन से हो गए देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर गाइज, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कोलिजन शो को फॉलो करते हुए हमें AEW का बैटल ऑफ द बेल्ट इवेंट 6 देखने को मिलने वाला है, तो इस चीज से AEW को अपने बैटल ऑफ द बेल्ट इवेंट के अंदर कितना फायदा होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW के अंदर क्या हो चुका है, जो कि मुझे लग रहा था कि कंपनी के अंदर कभी नहीं होगा। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग एक लीजिट स्पोर्ट है, और स्पोर्ट के अंदर हमें काफी सारे इंजुरीज भी देखने को मिलते हैं, और यही कुछ रेसलिंग मूव्स होते हैं जिनके अंदर रेसलर्स के इंजर्ड होने का चांस काफी ज्यादा होता है, जैसे कि पायल ड्राइवर, और इसीलिए ऐसे कई सारे डेंजरस मूव्स WWE ने अपने कंपनी के अंदर बैन करके रखे हुए थे, जो कि आज तक AEW ने अपने कंपनी के अंदर नहीं किए थे, और मुझे लग रहा था कि AEW ऐसे मूव्स कभी बैन भी नहीं करेंगी। पर गाइस, फाइनली AEW के बैकस्टेज से एक रिपोर्ट सामने आ रही है, जो रिपोर्ट हमें बता रही है कि AEW ने अपने तरफ से सभी सुपरस्टार्स को एक ईमेल भेजा है, जिस मेल के अंदर लिखा है कि AEW ने अपने कंपनी के अंदर काफी सारे मूव्स बैन कर दिए हैं, और कई मूव्स ऐसे हैं जो मूव्स अगर रेसलर्स करना चाहते हैं तो रेसलर्स को कोचेस की परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद ही मूव्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और ये सब AEW ने रेसलर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखकर किया है, जो एक इंटरनल ईमेल हाल फिलहाल में AEW ने अपने स्टाफ को सेंड किया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस ईमेल के अंदर कई सारे मूव्स के नाम है जो कि AEW ने पूरी तरीके से बैन कर दिए है। और गाइस, बताया जा रहा है कि इन बैन किए हुए मूव्स के अंदर डायरेक्टली सिर पर चेयर शॉट मारना, बकल बॉम्ब या फिर टर्न बकल के ऊपर किस तरीके की मूव्स लगाना, किसी तरीके के इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स करना, रेसलर्स को सीजर अटैक आया है इस तरीके की सेलिंग करना, एक दूसरे के ऊपर थूकना, क्राउड के अंदर ब्लीड करना, क्राउड के अंदर आए हुए फैंस की तरफ से ड्रिंक्स या फिर फूड लेना, क्राउड को फिजिकली टच करना और उनके तरफ कोई भी वेपन्स फेंकना, ये सब चीजें AEW ने पूरी तरीके से बैन कर दी है। जो चीजें देखा जाए तो रेसलर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखकर काफी बढ़िया है, जैसे कि सिर पर चेयर शॉट लगाना या फिर बकल बॉम्ब। पर यहाँ पर AEW ने क्राउड के साथ इंटरेक्ट करने के लिए रेसलर्स को बैन कर दिया है, जैसे कि क्राउड की तरफ से ड्रिंक्स लेना या फिर उन पर कुछ फेंकना। तो देखना पड़ेगा कि MJF अपने आप को किस तरीके से संभाल पाते हैं, क्योंकि MJF अपने हील मोड के अंदर ये सब चीजें करते हैं, पर इसके साथ ही AEW कुछ स्पेशल मूव्स को सिर्फ परमिशन लेने के बाद ही रेसलर्स को परफॉर्म करने के लिए ग्रांट करने वाली है। और गाइज, ऐसे मूव्स में एप्रन के ऊपर बम्प्स लेना, टेबल लैडर या फिर किसी भी तरीके की चेयर के साथ कोई भी स्पॉट करना, कहीं पर से भी डाइव करना, सभी तरीके के पाइल ड्राइवर, टॉप रोप से 360 डिग्री सेंटॉन या फिर शूटिंग स्टार प्रेस, लोगों को कमेंटेटेबल या फिर स्क्रीन के ऊपर फेंकना, चेयर, कैंडो स्टिक, हैमर, रिंग बेल, हर एक चीज का इस्तेमाल करना, टर्न बकल एक्सपोज करना, एक दूसरे के ऊपर वेपन्स फेंक कर मारना, किसी भी तरीके का इंजुरी एंगल करना या फिर किसी भी रेफरी पर अटैक करना, ये सब चीजें AEW सिर्फ परमिशन लेने के बाद ही रेसलर्स को परफॉर्म करने के लिए ग्रांट करने वाली है, जिससे मुझे लग रहा है कि AEW के अंदर अब रेसलिंग काफी रिस्ट्रिक्ट होने वाली है। पर देखा जाए तो रेसलर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये सब चीजें ठीक ही है, तो देखना पड़ेगा कि ये सब चीजें आगे जाते हुए AEW के अंदर रेसलिंग स्टाइल को किस तरीके से इवॉल्व करती है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि सब पर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?